जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की खबर के बाद से ही पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। इस लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच बॉलीवुड का हर बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी लॉकडाउन का पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इन समय अनुपम खेर। जी हाँ दोस्तों, युवाओं को भी पछाड़ते हुए अनुपम खेर जी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वे कोरोना वायरस से बचने के लिए कई ऐसे उपाय बताते हैं। और साथ ही साथ बीते कुछ दिनों बॉलीवुड में हुए दो लगातार निधन के बाद से ही वे अंदर से काफ़ी टूट भी गए थे, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ जताया भी था। इसी बीच उन्होंने इन सभी को जोड़ते हुए, इन हालातों को जोड़ते हुए एक ऐसी कविता लिखी है जो उन्होंने ट्वीट करी है, यानी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है, जहाँ पर इनकी एक वीडियो भी देखने को मिली है। इस कविता की बात की जाए दोस्तों, तो उनकी कुछ लाइनें ऐसी हैं। वीडियो में बोले गए शब्दों को उन्होंने कैप्शन में भी जोड़ा है, यानी जो वीडियो में बोला है वह उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है। अनुपम खेर जी लिखते हैं, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सोशल मीडिया पर इनकी कविता लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। और अपनी इस वीडियो में इरफान खान और ऋषि कपूर जी को ना याद करें ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने उनको भी याद करा और साथ साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, कभी कभी ये सिर्फ ज़िंदगी का जश्न है जो ज़िंदगी के शौक में तब्दील हो सकता है। यहाँ देखिए बिट्टू और अनुपम ने अपने खास दोस्तों इरफान और चिंटू जी को कैसे याद किया है। यहाँ दोस्तों उनको खास ट्रिब्यूट दिया गया है, उनकी ये कविता यूजर्स को काफ़ी पसंद आ रही है। ऋषि कपूर और इरफान खान की यादों में वह फिर से आँखें नम होती हुई दिखाई दी हमें अनुपम खेर जी की सोशल मीडिया पर। मेरे दोस्तों, आपको अनुपम खेर जी की कविता काफ़ी पसंद आई होगी, आपके हौसलों को भी बढ़ा दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग खबरों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।